अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للخاشعين إماما وجعلنا للصالحين إماما وجعلنا للقانتين إماما وجعلنا للمجاهدين إماما وجعلنا للمقاتلين إماما وجعلنا للساجدين إماما وجعلنا للراكعين إماما وجعلنا للذين ينفقون في سبيلك سرا وعلانية إماما وجعلنا للذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إماما وجعلنا للذين يقاتلون في سبيل الله ليلا ونهارا إماما اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آپ سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں کچھ سرسری سا آپ لوگوں نے ایک پکچر دیکھی تھی کہ کیسے آج کے دور میں انسانوں کو غلام بنا لیا گیا ہے، کیسے امریکہ
जिसके पास मालो दौलत और असबाब मौजूद थे और हैं, उसने इस तरह से दुनिया में चालें चलीं कि जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो ख़त्म हो गई और उसकी जगह अमेरिका ने ले ली और दुनिया के बहुत सारी बल्कि ऑलमोस्ट तमाम ही मुल्कों को अपना ग़ुलाम बना लिया। और उसी में ज़िक्र भी हुआ था एक ऐसे मुल्क का कि जिसके ऊपर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे जापान में, यानी इतना बड़ा दुश्मन था कि वहाँ पे दुनिया की तारीख में सिर्फ एक ही मर्तबा एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल हुए हैं और वो एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जापान जो अमेरिका का दुश्मन था, इतना बड़ा दुश्मन था, वो अमेरिका का, फिर हमने सवाल किया था कि आज दुश्मन है या दोस्त। तो फिर आप सबको ये बात समझ में आई कि जापान अमेरिका का इस वक्त एक साथी, एक सपोर्टर, एक हामी, दोस्त, जो भी कह लें। तो ये प्रोसेस हुआ कैसे, वो चलाकी क्या है, किस चलाकी के ज़रिए एक दुश्मन को बिल्कुल अपरेंटली आज के दौर में दोस्त बना लेती हैं ये सुपर पावर्स। तो ये हम सबको भी पता होना चाहिए कि आज के दौर में तागूत की वो क्या चालें हैं, वो क्या तरीके हैं, वो क्या टैक्टिक्स हैं जो इस्तेमाल करते हुए ये तागूत जो है आम इंसानों को अपनी मजदूरी, अपनी ग़ुलामी में लगा देता है। इससे पहले कि हम उसकी कुछ तफसील समझें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स समझ लें, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे कि जापान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है कि जिसको अब इस वक्त, जापान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके ख़िलाफ़ अगर कोई जंग ना की जाए, कोई हमला ना किया जाए, कोई फौजी ना भेजा जाए वहाँ पे हमला करने के लिए, कोई ड्रोन ना भेजा जाए, कोई मिसाइल ना मारा जाए, तब भी अगली चंद दहाइयों में, कुछ डेकेड्स में जापान खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब आप हैरान होंगे कि ये कैसे, जापान के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, बहुत एडवांस्ड है। जापान की इकॉनमी दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ में से एक है। जापान के पास इंडस्ट्रीज़ दुनिया की टॉप की हैं। लेकिन आप हैरान होंगे, और इसके अंदर जो मिलिट्री इक्विपमेंट, नेवी और फाइटर जेट्स और ये इस तरह का जितना डिफेंस और ऑफेंस का जितना साजो सामान है, वो भी जापान के पास दुनिया के टॉप लेवल का है। गाड़ियाँ आप सब लोग जापान की चलाते हैं, पाकिस्तान की भी चलाते हो तो वो ब्रांड जापान की होती है, पैसे उनको ही जा रहे होते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा कि जापान खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा? वो ऐसे हो जाएगा कि जापान वर्ल्ड वॉर टू, जिसमें अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे, उससे पहले जापान दुनिया के उन मुल्कों में से था जिनकी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि संभाली नहीं जा रही थी। और अमेरिकन और इंटरनेशनल एस्टीमेट्स के मुताबिक, जो बहुत सारा वो आपको पता है कि इस तरह के अदादो शुमार देते हैं जो उनकी फेवर में जाएं, फिर भी उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 3% या उससे भी ज़्यादा था। एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3% या उससे भी ज़्यादा था। और एक होता है पॉपुलेशन जो सस्टेनेबल रेट होता है, जिसके अंदर आप पॉपुलेशन मेंटेन कर सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़े ना, आबादी बढ़े ना उतनी रहे जितनी है, तो वो लगभग 2.1% होता है। और 2.1 से 2.5% तक अगर किसी मुल्क की आबादी बढ़ रही हो तो उसको बहुत, 2.5% को अच्छा समझा जाता है, और 3% हो तो वो आबादी का रेट बढ़ना अबव एवरेज है, काफ़ी ज़्यादा है।
जापान की 1920 से लेकर 1940 तक जापान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3% या उससे भी ज़्यादा था, यानी उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी। और इस वक्त जापान दुनिया के उन मुल्कों में से है कि जिनका जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माइनस में है। इस वक्त जापान की पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस में है, -1.3% या समथिंग। और जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट +2.1% हो तो फिर आपकी पॉपुलेशन उतनी रहती है जितनी, ऑलमोस्ट उतनी रहती है हर साल जितनी है, सस्टेन करती है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ उससे कम हो 1 point something, तो फिर पॉपुलेशन सस्टेनेबल नहीं होती, वो रिस्क पे होती है कि आपकी आबादी कम होने लग जाएगी। 0% हो तो फिर तो हैरान कौन बात है कि ये मुल्क किधर जा रहा है। माइनस में चला जाए, -0.3 भी नहीं, 0.2 भी नहीं, -1.3 और समथिंग है, अभी मेरे पास वो डाटा भी शो नहीं हो रहा। तो ऐसा मुल्क जिसकी आबादी हर साल इतनी परसेंटेज से गिर रही हो, वो उस मुल्क को किसी बम से मारने की ज़रूरत नहीं होती। उसके पास जितने मर्ज़ी एटॉमिक बॉम्ब्स हों, जिनकी जितने मर्ज़ी फाइटर जेट्स हों, जितने मर्ज़ी उनके पास असला हो, सारी दुनिया में उनकी इंडस्ट्री लगी हुई हो, सारी दुनिया में उनके साथ, सारी दुनिया के साथ उनकी ट्रेड हो रही हो, उनको किसी भी जंग से मारने की ज़रूरत नहीं होती। उनको सिर्फ़ उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, तब भी वो आबादी कुछ दहाइयों में ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और ये जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है, ये वर्ल्ड वॉर टू से पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, और वर्ल्ड वॉर टू से ऑनवर्ड्स आज ये सिचुएशन है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। और अभी जो पॉपुलेशन हो भी रही है, जो बच्चे वहाँ पैदा हो भी रहे हैं, मैं ज़रा आपको उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग अदाद व शुमार बताता हूँ कि वर्ल्ड वॉर टू से पहले, दूसरी जंग अजीम से पहले, 1940 से पहले पहले जापान के अंदर बग़ैर शादी के मर्द औरत के जो बच्चे पैदा होते थे वो ना होने के बराबर थे, -1%। पूरे मुल्क में ना होने के बराबर ऐसे बच्चे थे जो बग़ैर शादी के पैदा हो जाएं, ज़िना से, वलादुज़्ज़िना हो। और इस वक्त जो अदाद व शुमार हैं, 50% ऑफ जापान्स पॉपुलेशन जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो वलादुज़्ज़िना हैं, 50%। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका अपना डाटा कह रहा है जापानीज़ का। अराउंड 50% वो बच्चे हैं जो वलादुज़्ज़िना हैं, जो ज़िना से पैदा हो रहे हैं, जो मर्द औरत लड़का लड़की शादी किए बग़ैर ही गलतकारी करते हैं, गुनाह और हराम काम करते हैं, ज़िना करते हैं, उनसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कितने, 50% तक है। और ये ओवरऑल वहाँ की सूरत हाल ये है कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, वहाँ की के लोग बच्चे रखना ही नहीं चाहते, वो ये चाहते ही नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चे पैदा हों, वो ये चाहते ही नहीं है, औरतें वहाँ की चाहते ही नहीं है कि हमें बच्चे पालने की मुसीबत से, परेशानी से गुज़रना पड़े, और वो ये चाहते ही नहीं है कि हमारी ये फैमिली ग्रो। ये वो जापान है जो एक वक्त में, जिसकी पॉपुलेशन ग्रो इतनी स्पीड से हो रही थी कि एक यानी कि अबव एवरेज सिचुएशन थी, और आज ये सूरत हाल है कि उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, और जो पैदा भी हो रही है वो इस तरह की टूटी फूटी जनरेशन है, इस तरह के बच्चे हैं कि जिनके सर पर पेरेंट्स का साया या तो नहीं है, अगर है भी तो टूटे फूटे रिलेशनशिप्स का साया है, कि जिसके अंदर अकेली, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, आउट ऑफ वेडलॉक वलादुज़्ज़िना पैदा होते हैं, तो उनके यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि माँ मजबूरन अपने बच्चे को देखभाल कर रही होती है, पूरा दिन काम करती है, मजदूरी करती है, किसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस होती है, किसी क्लब में पार्टी करती है, किसी क्लब में वेट्रेस होती है, किसी इंडस्ट्री में फैक्ट्री वर्कर होती है, पूरा दिन बच्चे को किसी मेड के हवाले करके या डे केयर में छोड़ के रात को बस बच्चे को आया,
आई, थोड़ा बहुत देखा और फिर दोबारा काम में चली गई। वो जो जनरेशन पैदा होती है वो अपने पाँव पर खड़े होने वाली नहीं होती, वो अपने स्टैंड्स लेने वाली नहीं होती। उसको तो यही नहीं पता होता बहन भाई के लिए कुर्बानी कैसे देनी है, उसको तो यही नहीं पता होता कि माँ कैसे ख़ुद को भूखा रख के बच्चे को खाना खिलाती है। तो उसको ये कैसे पता होगा कि जब मेरा कोई बहन भाई भूखा हो, तकलीफ़ में हो, तो मैंने उसको प्रायोरिटी देनी है, ख़ुद को पीछे छोड़ना है। उसको ये कैसे पता चलेगा कि बहन भाई का तो घर का, सोसाइटी का तो उसने सपोर्ट और माहौल देखा ही नहीं, कज़न्स कहाँ से देखे होंगे, सोसाइटी के बाकी मेंबर्स कैसे देखे होंगे कि मैंने इनकी खातिर कुर्बानी देनी है या स्टैंड लेना है। तो ऐसी कौम कभी भी इकट्ठे होकर खड़ी नहीं हो सकती, ऐसी कौम कभी भी हाथ में हाथ डाल के मज़बूत कौम नहीं बन सकती। वो एक भेड़ों का गोल होता है जिसको जब चाहे कसाब जो है वो ज़बह कर दे, जब चाहे उनको हांक कर किसी दरिया में, किसी नदी में, किसी नाले में फेंक दे, चाहे तो उनको समुंदर में बहा दे, ऐसी सिचुएशन होती है। ये अचीव किया किसने? अमेरिकन जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से ये जापान में अचीव हुआ। और उसके कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ और आप लोगों को अपनी सिचुएशंस में उस तरह के स्टेप्स फिर आप लोगों ने ख़ुद गौर करना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो खुतबे हैं उनके अंदर बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो आपको वो जो वॉरफेयर है ना, जो आपके अगेंस्ट भी हो रही है, मुसलमानों के अगेंस्ट भी हो रही है, आपको उसकी समझ आ जाएगी। 1941 में, दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर पे हमला किया। पर्ल हार्बर अमेरिका की एक बहुत बड़ी नेवी बेस थी जिसके अंदर लगभग 4.5 मिलियन गैलन्स इन्होंने फ्यूल वगैरह स्टोर किया हुआ था। पूरी दुनिया में दूसरी जंग अजीम जारी थी और अमेरिका उसको बैक से सपोर्ट कर रहा था, फ्रंट पे प्रॉक्सीज थी ग्रेट ब्रिटेन बरतानिया की तरह की। तो जापान वालों ने ये कहा, जापान और हिटलर, जर्मनी का हिटलर, ये आपस में एलाय थे, इत्तेहादी थे। तो इन्होंने ये फ़ैसला किया जापान वालों ने खुसूसन कि हम जाकर उस बेस को तबाह करते हैं जहां से ये पूरी दुनिया में फितना, जो अमेरिकन है वो पूरी दुनिया में जंग को प्रॉक्सी वॉर बनाए हुए हैं, ख़ुद फ्रंट पे नहीं आ रहे, दूसरे मुल्कों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने जाके पर्ल हार्बर पर हमला किया दिसंबर 1941 में, और वो इतना बड़ा हमला था कि लगभग 4000 इनके अमरीकी जो हैं वहाँ मारे गए। और जापानी वो जंग, वो जो बैटल ऑफ पर्ल हार्बर है वो जीत गए, और वो जो ज़्यादातर तेल का ज़खीरा था वो भी उन्होंने तबाह कर दिया। और ऐसी कमर तोड़ी अमरीकियों की कि वो फिर दोबारा इतनी जल्दी खड़े नहीं हो सके। और फिर जाके 1941 के बाद अगस्त 1945 में, 3.5 साल या उससे भी ज़्यादा के बाद जाकर अमेरिका ने वहाँ पर एटॉमिक बम गिराए। उनको जंग के अंदर, जापान ने जो हमला किया था वो एक नेवल बेस पे हमला किया था, स्ट्रिक्टली एक आर्मी की चीज़, एक स्ट्रिक्टली डिफेंस की चीज़ जो जंगी साजो सामान है उस पे हमला किया था, सिविलियंस पे हमला नहीं किया था। और अमेरिकन्स ने उनको मज़ा चखाने के लिए कि तुम्हारी इतनी जुर्रत और इतनी औकात कि तुम लोग हमारे साथ जंग करो और हमें हरा दो, हम तुम्हारे बच्चे बच्चे को मारेंगे, इन्होंने जाकर दो शहरों के ऊपर, सिविलियन आबादियों के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए, जिसकी वजह से लगभग, जो इनके अपने अदादो शुमार हैं ऑब्वियसली, जो बहुत ज़्यादा ये कम करके दिखाते हैं, 1.5 लाख एक शहर में और 1 लाख के करीब दूसरे शहर में अमवात हुई, 2.5-3 लाख अमवात उसी वक्त हुई वहाँ पे, सिर्फ 2 बॉम्ब गिराने से। इसके बाद 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया कि अब हम मज़ीद जंग नहीं कर सकते, अब जो हमारी सिविलियन आबादी तबाह हो गई है, अब हम मज़ीद जंग नहीं करते, उन्होंने हथियार डाल दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अमेरिका और अलाइड पावर्स जो अमेरिका के इत्तेहादी थे, उन्होंने जापान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब इससे पहले तक दुनिया में होता ये था कि जब कब्ज़ा किया जाता था तो वहाँ की
हुकूमत, वहाँ के मामलात, सब का सब कुछ वहाँ जो ऑक्यूपायर्स थे, काबिज लोग थे, वो संभाल लिया करते थे। लेकिन इन्होंने ऐसे किया कि एक ऐसा सिस्टम शुरू किया नया, जो इससे पहले दुनिया में बहुत कम देखा जाता था, होता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। वो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने ये किया कि जापान का जो जापान में बादशाही निज़ाम था, मोनार्की थी, उन्होंने पहला काम ये किया कि जापान के बादशाह को साइड पे किया, उससे कहा तू इधर आना, तेरी तू गल सुन साड़ी, उसको पास बुलाया, उसको कहा कि तुझे हम छोड़ देंगे, हम तुझे नहीं मारते, लेकिन तूने ये करना है कि हमारी अगर साथ नहीं दे सकता पब्लिकली तो मुखालफत भी नहीं करनी, और ये कहना है कि मेरा तो इस जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं था, ये जो नीचे मेरे प्राइम मिनिस्टर जनरल और ये दूसरे तीसरे हैं ना, ये इन्होंने किया सारा कुछ, तो मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा था, मैं तो एक वो सेलिब्रेटरी एक प्रेसिडेंट, वो इन्होंने मुझे किंग बनाया हुआ है, मेरा कोई चक्कर नहीं है, ये इन्होंने किया सब कुछ तो हम तेरी जान बख्शी कर देंगे। तो ये बादशाह लोग वैसे भी आपको पता है ये इस तरह के मशक्क़तों के मुश्किलों के आदि तो होते नहीं हैं कि वो जेल काटता और तकलीफ़ें उठाता, उन्होंने उसको इस तरह से अपनी ही एक प्रॉक्सी बना लिया। अब इसके बाद इन्होंने ये किया कि वहाँ पे जूरी बिठाई कि जी हम जज हैं, बंदे इन्होंने सिविलियन मारे जापान के अंदर, आम लोगों को, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहरों के अंदर तबाह किया जाके मारा, और अब खुद जाकर क्योंकि ये ऑक्यूपाई कर चुके हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, खुद जाकर जज बनकर बैठ गए और फिर उन्होंने फैसले केस सुनना शुरू कर दिए और फैसले देना शुरू कर दिए कि ये जापान के प्राइम मिनिस्टर, ये फलां जनरल, ये फलां फलां फलां, इस तरह मुख्तलिफ लोगों को, बहुत सारे टॉप के जो जितने भी लोग थे, बहुत सारे नहीं बल्कि ऑलमोस्ट जितने भी थे, उन सबको फांसी की सज़ाएँ दे दी और जापान के बादशाह को इस बात पे छोड़ दिया कि आगे से अगर हम अगर वो किसी को भी सबको मार देते और ख़ुद प्रेसिडेंट या वो अपना कोई लगा देते तो अवाम समझते कि ये हमारे दुश्मन है, ये दुश्मन है, एक ना एक दिन बगावत होती, एक ना एक दिन वहाँ से उनको बाहर जाना ही पड़ता, कब्ज़ा कितनी देर रह सकता है। लिहाजा उन्होंने वहीं के जो बादशाह था उसको वहीं रहने दिया। आज भी जो जापान का मोनार्क है, जो वहाँ का किंग है, वो उसी बादशाह का पोता है, उन्होंने उसको वहीं रहने दिया और उससे ये कहा कि आगे से जैसे हम कहेंगे तू वैसे करेगा। उसने अपनी जान बचानी थी, जंग वो हार चुका था, गुरूर सारा उसका टूट चुका था, लिहाजा सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि अब आप यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत में क्या कॉन्स्टिट्यूशन था, क्या दस्तूर था? कोई दस्तूर की किताब थी? दस्तूर की किताब क्या थी? कौल अल्लाह व कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दस्तूर की किताब क्या थी? कुरान मजीद, कलाम मजीद। उसके अंदर एक एक दस्तूर की शिक लिखी हुई है। अगर मर्द फोत हो जाए, बेटा छोड़कर जाए तो इतना हिस्सा मिलेगा, बेटा और बेटी छोड़कर जाए तो इतना हिस्सा मिलेगा, बेटा और बेटी दोनों ना छोड़ के जाए तो इतना हिस्सा मिलेगा, एक बीवी छोड़ के जाए तो इतना हिस्सा मिलेगा, दो बीवियां छोड़कर जाए तो इतना हिस्सा मिलेगा, कोई बीवी ना छोड़ के जाए, सिर्फ औलाद छोड़ कर जाए तो इतना हिस्सा मिलेगा, ना औलाद छोड़ के जाए ना बीवी छोड़ के जाए तो फिर किसको हिस्सा मिलेगा। एक एक शिक लिखी हुई है। जो कत्ल करे उसका सर कलम किया जाएगा, जो हाथ काटे उसका हाथ काटा जाएगा, जो नाक काटे उसका नाक काटी जाएगी, जो आंख जख्मी करे उसकी आंख जख्मी की जाएगी, जिस जो किसी को ज़ख्म लगाए उसको ज़ख्म लगाया जाएगा। एक एक शिक कुरान में लिखी हुई है। उसके मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने कोई किताब नहीं निकाली कि ये किताब है, ये हमारा दस्तूर है। कुरान ही दस्तूर था, कुरान ही किताब थी और कुरान की तशरीह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए थे कि इस शिक की, इस दस्तूर की, इस शिक की तशरीह ये है। और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये तमाम लोग जानते थे कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा फ़ैसला कैसे किया, किसको ढील दी और किसको फौरी सज़ा दी। वो तशरीह खूब जानते थे, सीना बसीना चलाने वाले थे और उनका अमल उस कुरान की तशरीह था। जिस चीज़ की तशरीह उन्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं मिली, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के दौर में उस तरह का वाकया नहीं हुआ, वहाँ पर उम्र फारूक का फैसला ही कुरान की तशरीह थी, वहाँ अल्लाह के खलीफे का फैसला ही तशरीह थी। और पाकिस्तान में क्या मौजूद है, दस्तूर मौजूद है हाकमियत, जिसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि हाकमियत आला का मालिक अल्लाह ताला है। और उसके बाद सारा वो मुझे याद आ जाता है कि पागलखाने में किसी की सेशन था, तो वो एक कैदी था, वो बार बार आ जाता था, वो कहता था कि वो जो मरीज़ कह लें कैदी कह लें, वो बार बार आ जाता था, वो कहता था कि मुझे ये आज़ाद नहीं करते, मैं इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, मुझे इधर इन्होंने रखा हुआ है, मुझे दवाइयाँ दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, मेरा टीके लगाते हैं। तो साइकेट्रिस्ट ने कहा कि तुम कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हो, क्या किया तुमने? कहता है मैंने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल काम किए। कहते क्या काम किया? मैं कहता है मैं रोज़ाना तमाम ये इनमें जितने भी ये मरीज़ हैं इनको बिठा के तकरीर करता हूँ, इनको समझाता हूँ ज़िंदगी कैसी गुजारनी है और बिहेव कैसे करना है। उसने कहा अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा काम करते हो। तो कहता है और कोई बड़ा काम बताओ जो तुमने इधर आने से पहले किया। कहता है इधर आने से पहले ना मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल अदबी काम किया था, साइंटिफिक काम किया था। कहता है वो क्या था? कहता है मैंने एक किताब लिखी थी। तो उसने कहा अच्छा, वो किताब लिखी थी तुमने? कहता है क्या क्या नाम था किताब का? ने कहा किताब का नाम था घोड़ा कैसे दौड़ता है। तो उसने कहा अच्छा वाह, ये तो तुमने बड़ा उसकी बड़ी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बताया होगा घोड़ा कैसे दौड़ता है। कहते अच्छा, तो कितने सफ़ों की किताब थी? उसने कहा 500 सफ़ों की। तो 500 सफ़ों की किताब के घोड़ा कैसे दौड़ता है? तो हाँ 500 सफ़ों। अच्छा तो पहले सफ़े पे क्या लिखा था? कहता है पहले सफ़े पे लिखा था घोड़ा कैसे दौड़ता है। तो कहता है वो बाकी 500 सफ़ों पे क्या लिखा था? कहता है ये लिखा था दगड़ 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 दगड़। तो ये मुझे जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखता हूँ ना तो मुझे ये याद आ जाता है, पहले नंबर पे लिखा है कि हाकमियत आला का मालिक अल्लाह ताला है, उसके बाद सारा दगड़ 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 दगड़, उसके बाद वही सब कुछ कर रहे हैं कि जो अल्लाह ने मना किया है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे रोका है। उस पागल की किताब में और इन पागलों की किताब में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? अल्लाह कहता है कि हकमियत आला का मालिक अल्लाह है तो दस्तूर अल्लाह का चलेगा, दस्तूर ये अपना चलाते हैं। अल्लाह कहता है कि हकमियत आला का मालिक अल्लाह है तो कुरान फैसला करेगा, ये कहते हैं नहीं, जो कत्ल करेगा हमारी मर्ज़ी होगी तो फांसी दे देंगे, हमारी मर्ज़ी होगी छोड़ देंगे, जो चोरी करेगा उसको जुर्माना कर देंगे, अल्लाह की किताब कहती है कि हाथ काटो, जिसको चाहते हैं ढील देते हैं, जिसको चाहते हैं। ट्रांसजेंडर बिल भी पास हो रहा है, शुरू में लिखा है हकमियत मालिक का, हाकमियत आला का मालिक अल्लाह है। तो ये उन्होंने 1947 में फिर जाकर एक इम्पोज किया लॉ, और वो लॉ ये था कि मफहूम उसका यही समझे कि जो हम कहेंगे वही तुम लोग करोगे, अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन तुम इनके बादशाह भी रहोगे और इनके जितने अंदर जो तुम्हारे वो हैं इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो सब कुछ वही रहेगी जो पहले चल रही है। मैन मैन लोगों को हम खड़का देंगे, जो ज़्यादा जिनके अंदर गैरत या नेशनलिज्म, जो कौमियत या जो बड़ी अहमियत है जिनके अंदर, उनको हम मार देंगे, उनको हटा देंगे या जेलों में डाल देंगे। बाकी सब निज़ाम जापानियों को ये लगेगा कि ये तो ऑक्यूपेशन छोड़ के चले गए हैं, अमेरिका ने हमारे साथ बड़ा अच्छा किया। बल्कि यही नहीं, बल्कि हम ये भी करेंगे कि एक चीज़ थी मार्शल प्लान। मार्शल प्लान ये था कि वो आगे जर्मनी के केस में भी हम देखेंगे के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था अमेरिका का, उसके थ्रू उन्होंने जो मुल्क वर्ल्ड वॉर टू में जंगों से तबाह हुए थे उसको इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे। उसके अंदर वो तो यूरोप के लिए था लेकिन जापान को भी शामिल कर लिया जो एशिया में है। तो अब अमेरिका ने क्या प्रेजेंट किया कि पहली बात ये कि हम सिर्फ उन लोगों को मार रहे हैं कि जिन्होंने बहुत जुल्म किए, हमने बादशाह को छोड़ दिया, ये देखिए आपके पहला काम। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि हम आपके मुल्क से भी जा रहे हैं, हम यहाँ पे आपके ऊपर बादशाह बन के कब्ज़ा करके नहीं बैठेंगे। और तीसरा काम ये किया, सिर्फ यही नहीं, हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दे रहे हैं। अब इन्होंने जापानीज़ को, आम आवाम को ये बावर कराना शुरू कर दिया कि हम आपके बड़े ही खैर ख्वाह हैं। लेकिन साथ में इन्होंने ये काम भी किया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी शिकें डाल दी कि जापानी अपनी मर्ज़ी से अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। और सबसे अहम शिक क्या थी कि जापान अपनी कोई फ़ौज नहीं रख सकता, और जापान का और मज़ीद जापान अपनी फ़ौज नहीं रख सकता तो हम तो बड़े खैर खाएँ, अमेरिका जापान का दिफा करेगा।
इस वक्त दुनिया में नंबर वन पे जो मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी और अमरीकी बेसिस हैं, अड्डे हैं, वो है जापान। नंबर वन पे, दूसरे नंबर पे जर्मनी आता है। और जर्मनी कौन था? हिटलर का। नेक्स्ट में इंशाल्लाह उसकी भी बात करेंगे कि कैसे हिटलर जो दुश्मन था वो फिर उन्होंने उसको काबू किया, जब जर्मनी को अपना इत्तेहादी बनाया। अच्छा, इसके बाद इन्होंने 1945 से लेकर 1951 में कब्ज़ा ही रहा इस वक्त तक, 1952 तक तकरीबन। तो 1951 में जापानीज़ ने ऑफिशियली सैन फ्रांसिस्को में आके एक ट्रीटी साइन की कि हम स्टेट ऑफ वॉर से बाहर निकलते हैं। और वो कौन जापानीज़ ट्रीटी साइन कर रहे हैं? दरअसल वही प्रॉक्सीज, जो प्रॉक्सी होता है अपनी जगह किसी और से कोई काम करवा देना, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको कहते हैं, वकील जिसको कहते हैं, यानी जापान के जो लोग थे उन्हीं को इन्होंने अपना ही वो बनाया कि जी आप हमारी तरफ से यहाँ अपॉइंटेड हैं, आप हमारे कहने पे चलेंगे। और उन्हीं को बुला लिया अमेरिका में कि ये देखें जी, हम जापानी कौम की तरफ से साइन कर रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ अब जंग में नहीं है, ना कभी होंगे। 1952 में फिर इन्होंने कब्ज़ा वहाँ से छोड़ दिया और फिर वहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी बेस के ऊपर रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिए। उसके अंदर मेजर रिफॉर्म्स सबसे पहले ये थे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। जापान एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा तो नहीं था उस वक्त, इम्पोर्टेंट था इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, जो बाद में और भी ज़्यादा हुआ। पूरी दुनिया की डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत एडवांस लेवल की बनती थी, अमेरिका को उनकी ज़रूरत होती थी। इसी वजह से वो इतनी बड़ी पावर थे कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर हमला भी किया और मल्टीपल हमले उन्होंने किए, और वो पर्ल हार्बर वाला इतना बड़ा अटैक उसमें ये सक्सेसफुल भी हुए। तो जापान ने, अमेरिका ने सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करवाए, और वो क्या करवाया कि जितने भी वहाँ पे वो थे लैंड्स थी, वो मुख्तलिफ लोगों से लेकर आम लोगों में डिवाइड करना शुरू कर दी। यानी कि वो इन्होंने कम्युनिस्ट किस्म की कोई चीज़ करना शुरू कर दी, बेसिकली उन्होंने ब्रेक करना शुरू कर दिया, जो इस्टेब्लिश लोग थे उनको ब्रेक करना शुरू कर दिया, ताकि आम लोग अपने पाँव पे खड़े होने के बजाय डिपेंडेंट होने लग जाएं जॉब्स के ऊपर। तो जितने भी वहाँ पे जागीरदार, ज़मींदार वगैरह थे जो अच्छे इस्टेब्लिश थे, उनसे उनकी ज़मीनें छोटे छोटे लोगों को डिवाइड कर दी। जब छोटे छोटे लोगों को डिवाइड कर दी तो ज़मीन इतनी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए कि ज़मीन उस के इंसान उसके अंदर काश्तकारी करे तो उसका साल गुजर सके, उसको राशन मिले, उसको प्रॉफिट हो। लेकिन जब आप उसको बहुत छोटा डिवाइड कर देते हैं तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है, आम काश्तकार के लिए। आपने देखा होगा एक एकड़ दो एकड़ ज़मीन जिसकी हो यहाँ पे भी, वो ऐसे ही पड़ी होती है, वो कहता है कि मैं ज़रा दुबई जा के नौकरी कर रहा हूँ। तो अक्सर पोठोहार पे या पंजाब साइड पे कभी हम जाते हैं ना, तो खाली ज़मीनें जिनके ऊपर कोई काश्तकारी नहीं होती वो देखें तो सवाल पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि ये इनके पास इतनी ज़मीनें। उस दिन पोठोहार में एक जगह पे हम गए हुए थे तो वहाँ काफ़ी सीधी ज़मीन थी लेकिन उस पर कोई काश्तकारी नहीं हुई हुई थी। तो ये साथी पूछने लगे कि ये क्यों नहीं काश्तकारी कर रहे, इनके पास इतनी जगह है, कम अज़ कम सब्ज़ियाँ खेत अपने घर की तो लगाएँ। लेकिन जब आप उसको रियलाइज़ करते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि या तो घर में इतनी वर्क फोर्स नहीं होती, घर में दो तीन मर्द ना हो तब तक काश्तकारी नहीं हो सकती, एक दो जानवर रखने पड़ते हैं ताकि आपका बाकी खर्चा भी चल सके। इसी तरह जो आपकी आजकल सोशल नॉर्म्स बन चुके हैं उनको पूरा करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स इतना हाई हमने अपने जहन में बना लिया है कि जब तक वो ना हो छोटी ज़मीन फ़ायदा नहीं देती, कम अज़ कम इतनी ज़मीन होनी चाहिए कि आपको उससे बेनिफिट हो। तो यही वहाँ पे किया उन्होंने, इतनी डिवाइड कर दी कि वहाँ से काश्तकारी ख़त्म होकर रह गई और लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो गए। अब इस वक्त जापान में तकरीबन 92% लोग शहरों में रहते हैं, और जब शहरों में रहते हैं तो फिर उन्होंने और बहुत सारे रिफॉर्म्स वहाँ पे किए। एजुकेशन रिफॉर्म सबसे पहले, उसमें एजुकेशन रिफॉर्म में क्या था, किताबें जो आपको पढ़ाई जाती थी वहाँ के जापानीज़ को पढ़ाई जाने लगी, उनके अंदर ये बताया गया कि हर बच्चा या बच्ची आज़ाद है, वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करता है। और जिस चीज़ को वेस्ट बहुत प्रमोट करता है और वहाँ पे भी किया कि पैट्रियार्की एक कर्स है। पैट्रियार्की क्या होता है? पैट्रियार्की होता है कि ये जो बाप घर का बड़ा बना होता है ना, ये गलत है, ये कौन होता है घर का करने वाला, ये कौन होता है हमारे फैसले करने वाला, इस पैट्रियार्की के जुल्म से निकलो, आज़ाद हो जाओ।
जब कोई बाप माँ आंखें भी दिखाए तो पुलिस को कॉल करो, ज़रा सी डांट पड़ जाए, चपत पड़ जाए तो पुलिस को बुला लो, पुलिस आपको उठा के ले जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इन्होंने, ये इंडिविजुअल फ्रीडम को इतना बढ़ा दिया कि इंसान को नफ्स का ग़ुलाम बना दिया, और ये बताया कि इंसान इतना आज़ाद है कि जो चाहे करे, जिसके साथ चाहे जिनसी ताल्लुकात रखे, औरत जिसके साथ चाहे जिनसी ताल्लुकात रखे, जिसके साथ चाहे जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजारे, जब मर्ज़ी बाहर जाए, जब मर्ज़ी अंदर आए, चाहे शराब पिए, चाहे जुआ खेले, जो भी करे। अब ये इतनी आज़ादी का तसव्वुर बच्चों को पैदा होते ही दिया जाने लगा। इससे जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने जिना को चूज़ किया, निकाह को, शादी को चूज़ नहीं किया। उसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन आने लगा, और जो बच्चे पैदा भी होने लगे वो इस तरह के टूटे फूटे घराने बनने लगे कि 50% के करीब जो उनकी पॉपुलेशन है वो वलदुज़िना है आज के दौर में। अच्छा, इसके बाद वो जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मज़ीद शिकें थी, जिसकी वजह से हुआ कि ये राइट्स पूरी राइट्स की एक लिस्ट है, आर्टिकल 13 में लिखा है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ क्या है कि माँ चाहे लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इसी को बढ़ा देते हैं, वो कहते हैं कि जी और राइट ऑफ फ्रीडम और ये वो, इनको मिक्स करके। ये आजकल अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है जब भी प्रेसिडेंशियल आजकल इलेक्शन होने वाले हैं तो वो भी ज़्यादा ये इसी पे बहस करते हैं कि हमारे राइट्स हैं, पर्सनल लिबर्टी है, माँ चाहे तो बच्चा ज़ाया कर दे, मैं माँ चाहती है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं चाहूँ तो अल्लाह ने मुझे बच्चे से नवाजा है तो मैं, वो चाहे तो अपने पेट से बच्चे को ज़ाया कर दे। इस कदर लिबर्टी उन्होंने देना शुरू कर दी है कि अपने ही बच्चे को कत्ल करवाना शुरू कर दिया है अपनी माँओं से। और इक्वालिटी अंडर द लॉ, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सोशल, राइट टू मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड, ये सारे राइट्स इन्होंने एग्जेजरेट कर दिए। ये राइट्स मौजूद हैं, सबसे एक्सट्रीम लेवल पे ये जो राइट्स इंसान को मिलते हैं वो इस्लाम के अंदर मिलते हैं। अगर उससे बढ़ा दिए जाएँ तो वो सोसाइटी इम्प्लोड करना शुरू कर देती है। इस्लाम क्या कहता है कि हर बच्ची को हक हासिल है कि वो अपनी पसंद का निकाह करे, कोई बाप उसको ज़बरदस्ती, कोई सोसाइटी उसको ज़बरदस्ती किसी मर्द के साथ नहीं बांध सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्ची आती है, कहती है कि मेरे बाप ने मेरा ज़बरदस्ती निकाह करा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप को भी बुलाते हैं, पूछते हैं ये क्या किया, तो बाप कहता है कि मैं बाप हूँ, मैंने तो इसका भला ही सोचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बच्ची तेरा निकाह नहीं हुआ, जा जो तुझे पसंद है उससे निकाह कर, ये है राइट। लेकिन इससे भी आप बढ़ा दें कि जैसे इस वक्त वेस्ट ने, ये अमेरिकन्स ने पूरी दुनिया में इम्पोज कर दिया है कि निकाह हो गया, अब भी उसकी मर्ज़ी है कि अपने शोर के करीब जाए या ना जाए, ये उससे भी आगे बढ़ गए, तो अब सिर्फ फितना होगा, फितने के अलावा कुछ नहीं होगा। सोसाइटी इम्प्लोड करना शुरू कर देगी, अपनी मौत आप मरना शुरू कर देगी। तो फिर इन्होंने एक और विमेन राइट्स बिल भी इंट्रोड्यूस कराया कि वो इक्वल राइट्स फॉर विमेन आ जाएंगे। इक्वल राइट्स फॉर विमेन क्या है? इस्लाम कहता है कि मर्द गवाही देगा तो एक, औरत गवाही देगी तो आधी, जहाँ पे एक मर्द है उसकी जगह पे दो औरतों की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर विरासत मिलेगी, बेटे को एक हिस्सा, बेटी को आधा हिस्सा, लेकिन बेटे को बीवी से हिस्सा थोड़ी मिल रहा है, लेकिन बेटी को शोहर से भी तो हिस्सा मिलता है। इस्लाम ने ऐसा बैलेंस किया है। और इस्लाम क्या कहता है, रिजालु कवामून अला निसा, मर्द का काम है कि घर का लीडर बन के रहे, मर्द का काम है कि घर का नान नफका प्रोवाइड करे। अब बीवी का काम है, क्योंकि वो उसकी सबऑर्डिनेट है, घर के अंदर उसकी सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे है, लिहाजा उसका काम है कि वो शोहर की बात माने। और प्रायोरिटी ये है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने घरों में ठहरी रहो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इस्लाम ने ऐसा बैलेंस किया कि मर्द बाहर के काम संभाले, औरत अंदर के काम संभाले, बैलेंस हो गया। ये देख लें आप, इंसाफ हो रहा है। इसको आप बढ़ा दें और कहें कि मर्द और औरत बिल्कुल बराबर हैं, सारे बाहर भी काम करेंगे, सारे अंदर भी काम करेंगे। तो ये अभी आपने ओलंपिक्स हुए, इसके अंदर बड़ा वायरल हुआ था एक केस, ईमान खालिफ का सुना है ना आप लोगों ने,
कि वो एक औरत जो अपने उसमें बॉक्सिंग में वो आई और उसका जो था जिसामत और ये सब कुछ ज़रा मर्दों की तरह मज़बूत था, तो पूरे दुनिया वालों ने ये केस बना दिया और उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया ओलंपिक्स वालों ने कि ये मर्दों जैसे फीचर्स वाली औरत को आपने औरत में क्यों फाइट करने दिया है। अगर बराबरी करना शुरू कर दोगे तो फिर इधर भी करो ना, मुक्का भी बराबर खाओ। फिर अगर सेम वेट कैटेगरी है तो फिर बॉक्सिंग में भी मर्द और औरत करें ना बॉक्सिंग। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने ये इक्वल राइट्स इस तरह के देना शुरू कर दिए कि मर्द और औरत बिल्कुल बराबर हैं, औरत बाहर भी काम करेगी, यानी औरत जिसने बच्चा भी संभालना है, जिसने घर के काम काज भी करने हैं, जिसने बच्चे को दूध भी पिलाना है, वो अब बाहर जाके मजदूरी भी करेगी। इन्होंने हर औरत को भी मजदूर बनाना शुरू कर दिया, नाम रखा राइट्स का लेकिन दरअसल अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, वो जो औरत के हकूक थे वो भी इससे छीनना शुरू कर दिए। इस तरह से अमेरिका ने जापान को अपना ग़ुलाम बना लिया बग़ैर सामने आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको याद आएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल ज़मीन पे 40 दिन रहेगा और उसमें पहला दिन यौमुन का सना, पहला दिन साल की तरह होगा, व यौमुन का शहर दूसरा दिन महीने की तरह होगा, व यौमुन कल जुमुआ और तीसरा दिन एक हफ्ते की तरह होगा, और बाकी जो अयाम हैं वसाइल व याम ही का याम कुम बाकी अयाम तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। तो पहले ऐसे होता था कि जब किसी के ऊपर कोई कब्ज़ा करता था, कोई फोर्स आती थी, तो वो डायरेक्ट उसकी कंट्रोल संभाल के उनको अपना ग़ुलाम बनाते थे। अब इन्होंने ऐसा दजल करना शुरू कर दिया, फ्रॉड करना शुरू कर दिया कि फ्रंट पे आए बग़ैर उन्हीं लोगों में से लोगों को सामने लाकर उनको ग़ुलाम बना लेते हैं और उनको कहते हैं कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, हम तुम्हें दौलत दे रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने तुम्हारे बादशाह को छोड़ दिया, लेकिन दरअसल उनके ऊपर ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि वो पॉपुलेशन इम्प्लोड होने लग जाती है और अपनी मौत आप मरने लग जाती है, और साथ साथ ये समझती भी रहती है कि अमरीका हमारा बड़ा हमदर्द है, अमरीका नऊज़ुबिल्लाह हमारा खुदा है। ये सिचुएशन इस वक्त जापान के साथ है, दुनिया के बहुत सारे और मुल्कों के साथ है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान में ये ग्रीन स्टार की इतनी प्रमोशन क्यों होती है, पाकिस्तान में कंडोम के ऐड इतने ज़्यादा क्यों आते हैं, और आपको क्यों बताया जाता है कि बच्चे दो ही अच्छे और बेगम ये स्कूल जाएगा तो दूसरा आएगा, और पता नहीं क्या क्या किस्म के ऐड आपको नज़र आते हैं, वो क्या पॉलिसीज़ हैं जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं। और आपको ये अब पता चलेगा कि जब IMF आपको कर्ज़ा देता है तो फिर वो ऑफिशियली ये एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट है, उसको हमने सपोर्ट किया पास करवाने में, और पास करवाने वाले कौन लोग थे, ये आपके PTI वाले थे, आप सबको पता है, इम्प्लीमेंट करने वाले PTI वाले थे, पास करने वाले यही थे जो आज दोबारा हुकूमत में है नून लीग वाले। वो जो उनका बादशाह था, जिसने वो उनका हीरो था, जिसने पूरी दुनिया से जंग मोल ली, अमेरिका जैसे मुल्क के ऊपर हमला किया और जंग जीत के आया, अब वो उनका हीरो था और वो उसको नाउजुबिल्ला पूजते थे, उसको स्पिरिचुअल वैल्यू भी दी हुई थी, अब वो कंप्रोमाइज लीडरशिप बन गई। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है, जो इनको इनका हीरो था वो क्या बन गया, कंप्रोमाइज लीडरशिप। कहने को शक्ल वही थी, इंसान वही था, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ हो चुका था, वो बिहाइंड द सीन्स डील कर चुका था। अब वही बादशाह अपनी जान बचाने की खातिर अपनी ही अवाम को इम्प्लोड कर रहा था, अपनी ही अवाम को समुंदर में झोंक रहा था, आग में झोंक रहा था, ख़त्म कर रहा था। वो बादशाह गुजर गया, उसका बेटा आया, वो भी गुजर गया, अब उसका बेटा आज उसका पोता बादशाह है, लेकिन जापान की पॉपुलेशन कम से कम होती जा रही है, अगली कुछ दहाइयों में किसी जंग की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म होकर रह जाएगी। अब आप समझ रहे हैं कि आपके सामने किस तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं, किस तरह के हीरोज़ लाए जाते हैं, जिनसे पहले अवाम को ऐसे किया जाता है कि वो उनको पूजें, जब वो पूजने लग जाते हैं तो वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, कभी उनकी गंदी वीडियोज़ इनके पास पहुँच जाती हैं, कभी उनको किसी मर्सिडीज़ और किसी महल का लालच दे दिया जाता है, कभी उनको थ्रेट्स दे दिए जाते हैं, और कभी हुकूमत से हटाने का थ्रेट दे दिया जाता है, और कभी हुकूमत में लाने का लालच दे दिया जाता है।
और वो कंप्रोमाइज लीडरशिप बन जाती है। आप उसको अपना हीरो समझ रहे होते हैं लेकिन दरअसल वो ज़ीरो नहीं, आपको और आपकी पॉपुलेशन को माइनस करने की तरफ लेके जा रहा होता है। और आज के दौर में आज के नौजवान को, मर्द को, औरत को, बूढ़े को, बच्चे को, हर एक को ये समझना ज़रूरी है कि मेरा असल दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। ए ईमान वालों, यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त कभी भी नहीं हो सकते, तुम्हारे साथी कभी भी नहीं हो सकते। अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनू, अल्लाह तुम्हारा साथी है, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। अल्लाह के अलावा जब भी किसी से उम्मीद रखोगे, जब भी झोली लेकर IMF के सामने जाओगे, जब भी अमेरिका से जाँ पना ही मांगोगे, उसी के ग़ुलाम बनोगे, अपनी मौत आप मरने लग जाओगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनो, उमर फारूक जैसी गैरत, उस्मान जैसी हया लाओ, अली जैसी बहादुरी और शुजात लाओ, अबू बकर जैसी नरम दिली लाओ। फिर कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, कोई तुम्हें तुम्हारे ऊपर कंप्रोमाइज लीडरशिप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, इम्पोज नहीं कर सकता। मैंने और आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगानी है, अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद नहीं लगानी। हम पेट काट लेंगे, अल्लाह ना करे तकलीफ़ आई तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, अल्लाह ना करे दुश्मन का हमला हो गया तो सीने पे गोलियां खा लेंगे, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं मानेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर नहीं झुकाएंगे, अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीद नहीं रखेंगे। ये गर्दनें कट तो सकती हैं, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुक नहीं सकती। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वसलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वली। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्ध वलहुल हम्दु फिल आखिरा وهو الحكيم الخبير। الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون। الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير। الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق। يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم। ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين। يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون। يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون। يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون। لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين।